उत्तर प्रदेश में बारिश तो थम गई है, लेकिन बाढ़ की वजह से प्रदेश भर के लोग अब भी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा जैसी प्रमुख नदियां अब भी उफान पर हैं, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बांधों के गेट खोलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। हरदोई जिले में अकेले 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कासगंज जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड में रहते हुए गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। कई गांवों में गंगा का पानी घुस जाने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है। कई जगहों पर लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये स्थिति न केवल आम नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, बल्कि उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर रही है। जालौन जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने कोंच नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के बीच लंच पैकेट बांटे। मूसलाधार बारिश की वजह से मलंगा नाले में बाढ़ आई, जिससे कस्बे के 4 मोहल्लों में लगभग 500 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ के कारण अब तक 36,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुँचा है और राहत के रूप में 72 लाख रुपए की सहायता राशि बांटी जा चुकी है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, लेकिन शहर और गांव में समस्याएं बनी हुई हैं। जिला प्रशासन ने आम जनता की सहूलियत के लिए बाढ़ राहत शिविरों की संख्या 16 से बढ़ाकर 17 कर दी है। इन शिविरों में 388 परिवारों के 2,301 लोगों ने शरण ली है। राहत शिविरों में पर्याप्त मात्रा में खाने पीने और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सुविधाएं अब भी सीमित हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के लंबे दौर के बाद अब मौसम में सुधार आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही तापमान और उमस में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे पहले से ही प्रभावित लोगों की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। गर्मी और उमस से बचने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से चल सकें। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और पुनर्वास के प्रयास जारी हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके।